नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावा। निफ्टी व्यू 13 मई 2022, मार्केट जो गैप डाउन खुला और एक गिरावट हुई। 16,000 का जो आंकड़ा था वो ब्रीच हुआ यहां पर और इमीडिएटली ब्रीच हो गया। उसके बाद एक वीकनेस हमने देखी। अब क्या, अब कहीं पर भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती निफ्टी में। जब तक ये 16,000 का आंकड़ा यहाँ पर जो मार्क किया है मैंने, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता तब तक जो भी अप मूव मिलेंगे वो सस्पेक्ट रहे। निफ्टी फिलहाल वीक नज़र आता है। निफ्टी बैंक का क्या हाल है? निफ्टी बैंक का जो हमने मार्क किया था यहाँ पर, ये जो लेवल 34,000 का, जैसे ही वो ब्रीच हुआ उसके बाद बहुत अच्छी गिरावट है। स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, कहीं पर भी निखर नहीं देती। मार्केट स्ट्रेंथ कहाँ दिखाएगा? जब ये 34,000 का लेवल है, ये पार कर लेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा तब ठीक है, अदरवाइज वीक है। मार्केट में वीकनेस बहुत है और वीकनेस काफ़ी हद तक अपेरेंट है, दिखाई दे रही है। एक बात तो ध्यान दीजिए, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि हम भाव भगवान हैं, हमको पॉइंट्स ट्रेड करने चाहिए। जो भी रैलीज मिली बेचना चाहिए। फिलहाल मैं हमेशा कहता हूँ ना, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ट्रेड द मार्केट्स नॉट द फोरकास्ट। हैप्पी ट्रेडिंग एंड जस्ट एंजॉय द राइड। अब मैं आप लोगों के साथ एक कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, वो रहेगा शनिवार को 14 तारीख को सुबह 10 बजे पवाई में स्टारबक्स में। हीरानंदानी बिजनेस पार्क है, उधर स्टारबक्स है, आप उधर मुझसे मिल सकते हैं 10 से 11। एक घंटा रहूँगा मैं, अपनी कॉफ़ी पीऊँगा, आप अपनी कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ी चर्चा करेंगे, कॉफ़ी पे चर्चा। बस आइए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।